उस विचार में, उस सोच में एक निर्माण करने की शक्ति होती है, निर्माण करने की ताकत। जैसे देखिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, एक साधारण सा व्यक्ति एक दिन अपनी छत पे गया, स्टारी नाइट थी, तारों से आसमान जगमगा रहा था, उसको आदत थी तारों को देखने की। उसने एक बड़े जगमगाते तारे को देखा और उसके मन में एक पहला विचार पहले दिन आया, मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। जिस दिन उसके मन में ये विचार आया, उस दिन असंभव ही नहीं, नामुमकिन था ये काम। लेकिन उसको ये बार बार विचार आता चला गया, उसका निर्माण होता चला गया, वैसे रास्ते मिलते चले गए, साथी सहयोगी साधन मिलते चले गए और आज उसने एक नामुमकिन असंभव कार्य को संभव कर दिया। कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया बताइए? मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अब बड़ी वंडरफुल बात है कि ये सोच आपके पास भी है, ये विचार शक्ति आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अगर वो अपनी विचार शक्ति से असंभव को, नामुमकिन को संभव कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूं। वो तो मंगल ग्रह पर पहुंच गया, क्या मैं अपनी सकारात्मक सोच से अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सकती? यदि हां तो ताली तो बजाओ। केवल सोच बदलने की देरी है, मंगल 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 शुभ शुभ हुआ पड़ा है, लेकिन जब तक सोच उल्टी है तब तक अशुभ अशुभ है। केवल सोच बदलिए, क्योंकि मेरी हर सोच में, हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की रचनात्मक पावर है। आप एक बात बार बार सुने होंगे, जब बात चलती है कि सृष्टि कैसे रची, तो आंसर क्या मिलता है? ये सृष्टि कैसे रची, किसने रची, तो आंसर क्या मिलता है? ब्रह्मा ने संकल्प से रची। ठीक है, तो संकल्प में क्या है? रचनात्मक पावर है, निर्माण करने की ताकत है, क्रिएटिव एनर्जी है। ये ताकत आपके पास भी, मेरे पास भी है। तो आज से अपनी पॉजिटिव सोच से अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाइए, मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि यहां जो भी भाई बहन बैठे, वो कोई भी एक भी ऐसा नहीं जो कमजोर हो, सब अपने आप में अति शक्तिशाली हैं, सबके पास अनंत शक्तियों का वास है। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, आपके लिए कोई भी ऐसा सपना नहीं जो आप पूरा नहीं कर सकते। केवल अपनी विल पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर की शक्तियों को झांकिए, उन्हें एक्टिवेट कीजिए। और ब्रह्मा कुमारी संस्था विशेष रूप से ये काम कर रही है, जो मन में छुपी हुई शक्तियों को एक्टिवेट कर रही है, उन्हें जागृत कर रही है, मन में झांक कर उन शक्तियों को जगाने का कार्य राजयोग द्वारा कर रही है। राजयोग मन का योग है, जो मन के टैलेंट को, मन की योग्यताओं को, मन की शक्तियों को निखारता है, देवत्व को उभारता है, इमर्श करके बाहर लाता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का विशेष काम है। अब आप देखें कि आप यहां कोई कमजोर नहीं, बहुत सारी बहनें सोच रही होंगी, भाई सोच रही होंगे, अरे नहीं, हमारे जीवन में तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये बीमारी है, इस बीमारी ने तो हमें बहुत कमजोर बना दिया। आज आपको एक अद्भुत सत्य बता दूं कि हम शरीर से कम और मन से ज्यादा बीमार होते हैं, और जिस दिन हम मन से बीमार हो जाते हैं, उस दिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। आज यदि आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है तो सोच बदल दीजिए। शरीर से भले ही बीमार हो, लेकिन मन से बीमार ना होना, मन से मुस्कुराना और शुभ शुभ सोचना, शुभ शुभ बोलना। अब आप कहोगे, बहन जी शुभ शुभ सोचना, शुभ शुभ बोलना, पेट में भयंकर दर्द है, बताऊंगी तो सही ना कि पेट में दर्द है, डॉक्टर को भी, घर वालों को भी, अब शुभ शुभ कहां सोचूं जब दर्द है, तो कैसे अपनी बात रखनी है? देखिए,
क्योंकि हम जो भी सोचते हैं जो भी बोलते हैं, भाई जी कह रहे थे कि हमारे वाइब्रेशन, हमारी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, और ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव भी है। अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में मिल जाती है, और चुंबक की तरह बहुगुणा रूप में नेगेटिव एनर्जी को खींच कर हमारे पास ले आती है। हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा बिल्कुल नकारात्मक होता जाता है, और दिनों दिन स्थिति सिचुएशन खराब, गड़बड़, अशुभ होती जाती है। और यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एनर्जी भी ब्रह्मांड में पहुंचती है, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच कर मेरे पास लाती है, और मेरे बिगड़े काम बनाती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। ये मेरे मन की ताकत है, ये मेरे मन की ताकत है। तो अगर आपको बताना भी है पेट में दर्द है तो रोकर बेचारा बनकर, लाचार बनकर नहीं, हाँ मेरे पेट में दर्द है पर मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैंने अपनी बात नहीं कह दी और ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी ही छोड़ दी। जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हैरान हो जाए, सोच में पड़ जाए कि ये पेशेंट आया है क्या, मुस्कुराते हुए जाना उसके पास और उससे कहना, डॉक्टर साहब अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी पहली गोली से ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी ऐसे जाएगी, ऐसे जो एक साल से घर करे पड़ी है ना वो ऐसे निकलेगी, पहली ही गोली आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी। ये आपके विचार की ताकत है, शक्ति अजमा के देखिए और चमत्कार देखिए, क्योंकि आपके मन में हर रोग को ठीक करने की ताकत है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी ताकत को हम लिए बैठे हैं। आपको याद होगा 2002 में कच्छभुज में भूकंप आया था, राइट? याद है, जो बड़े बैठे उनको याद होगा, जो बच्चे शायद उनको नहीं पता होगा, भूकंप भारत में अब तक ऐसा नहीं आया, बड़ा भयंकर भूकंप, लाखों लोग मर गए थे, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे तहस नहस हो गए थे, हमारा माउंट आबू भी हिल गया था पूरा, हम लोग अपने पैरों पर इतनी दूर खड़े होकर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, जबकि माउंट आबू बहुत दूर है कच्छभुज से, अंजार से। अब देखिए वहां का, एक मैं आपको रियल किस्सा सुनाती हूं और आपको पता चलेगा कि मेरे पास ताकत कितनी है, आपके पास ताकत कितनी है, जो आपके मन में है, शरीर में नहीं, कहां है? मन के अंदर। उसे जगाना है, उससे मिलना है, आज मुझे मेरी शक्ति से मिलना है, उससे आय लो करनी है। एक अपाहिज व्यक्ति जो टोटल ही पैरालाइज्ड है 4 साल से बेड पर, सारा काम बेड पर होता है उसका, ये समझ लीजिए कि गले से ऊपर का हिस्सा एक्टिवेट है, गले से नीचे का हिस्सा डेड है सारा, 4 साल से मेडिकल साइंस ने उसके मन में भर दिया, अब जब तक जिएगा ऐसा ही रहेगा, कोई इलाज नहीं इसका, और वो व्यक्ति मान चुका मुझे ऐसा ही जिंदगी भर रहना है। भूकंप आने के 3 दिन पहले उसे तेज बुखार हुआ, 106-107, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। इमीजिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बुखार आउट ऑफ कंट्रोल था तो आईसीयू में रखा। अब 26 जनवरी का दिन सुबह सुबह की बात, आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं, अगर आप मिलने जाओ ना उनसे और वो बैठने की कोशिश करे तो बैठा नहीं जाएगा, दो लोग पीठ के पीछे सहारा देंगे तब बैठेंगे, क्योंकि शरीर से कम और मन से ज्यादा बीमार हैं, ऐसे ही होते हैं ना। जब 26 जनवरी के दिन भूकंप आया तो आईसीयू के पेशेंट अपने घर वालों से पहले भाग गए थे, निकल के वहां से अपने कदमों पर, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उठाकर, बोतल भी उठाकर, बीपी की मशीन भी उठाकर, और भागे जा रहे थे, घर वाले पीछे वो आगे। ऐसे टाइम पर वो व्यक्ति भी वही था जो टोटली पैरालाइज्ड था, वो भी सब देख रहा था कि सब भाग रही हैं, भूकंप इतना तेज था कि ऐसे हिल रही थी बिल्डिंग, ऐसे कभी इधर कभी उधर, इधर के व्यक्ति उधर लुढ़कते थे, उधर के व्यक्ति इधर लुढ़कते थे, किसी को किसी की नहीं पड़ी थी,
इवन जो कैदी पुलिस के हाथ में थे तो पुलिस भी कैदियों को छोड़ के भाग गई थी, तुम्हारा कुछ भी हो हमें अपनी जान बचानी है पहले। अब वो पैरालाइज्ड व्यक्ति भी देख रहा था कि बिल्डिंग झूल रही है, धरती से भयंकर साउंड आ रहा है, डरावना भगदड़ मच रही है, ना डॉक्टर को पड़ी, ना नर्स को, ना कंपाउंडर को, ना घर वालों को, सब भाग रही है एक दूसरे को धक्का देकर, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए। अब वो पैरालाइज्ड व्यक्ति जो चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बेड पर पड़ा है, उसने फिर ऊपर को देखा, भूकंप के झटके और तीव्र हुए और अब ऐसा लगने लगा कि किसी भी क्षण ये छत मेरे ऊपर गिर सकती है, किसी भी क्षण अब ये गिरी की गिरी। अब फिर देखिए उसने क्या किया, जो कल्पनाओं से बाहर की बात थी, क्या किया, वो धीरे धीरे बैठा। पहले उसने अपना राइट पांव नीचे किया, फिर लेफ्ट किया, और फिर ऐसा भागा उठ के 1 किलोमीटर तक कि उसने अच्छों अच्छों को पीछे छोड़ दिया और वो सबसे आगे खड़ा था। अब बताइए ये जो उठकर भागने की ताकत उस पैरालाइज्ड व्यक्ति में आई, ये बाहर से आई या अंदर से बाहर आई? तो ये ताकत आपके पास भी है, ये ताकत मेरे पास भी है, इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना। कहा भी गया, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। अपने मन को बिल्कुल चंगा रखना, मनोबल मत गिरने देना। हमारे मन में बहुत बड़ा खजाना, अलौकिक शक्तियां, असीम शक्तियां, हर लाइलाज बीमारी को ठीक करने की ताकत है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, किसी ने आपको बोल दिया, किसी भी डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, आप स्वीकार मत करो, आप स्वीकार मत करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख डालकर बोल दो, मैं तुम्हें जीकर दिखाऊंगी। महाकाल को भी भागना पड़ेगा वहां से। ये ताकत आपके पास है, ये ताकत है आपके पास, क्योंकि हम साधारण नहीं, खुद महाकाल की संतान है। लेकिन महाकाल भी तो शक्तिशाली आत्माओं के साथ खड़ा है ना, कमजोर मन के साथ नहीं। पीछे ओमान गए तो वहां के भाई बता रहे थे कि यहां मिडिल ईस्ट में एक रिसर्च हुआ, एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी। कुछ साइंटिस्ट जो बाहर से आए थे उन्होंने कहा कि फांसी तो लगने वाली ही है, हम अपनी एक रिसर्च कर ले क्या तुम्हारे कैदी पर, मुजरिम पर? तो उसने कहा हम परमिशन देते हैं, मुजरिम से पूछ लो जिसको फांसी लगने वाली है। तो कहा तुम तो मरने वाले हो, ये बताओ कि हम तुम पे एक रिसर्च कर ले, हम तुम्हें फांसी लगवा करके नहीं, सांप कटवा कर मरवाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, जाते जाते मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं, एक रिसर्च के काम आ जाऊं, इससे बढ़िया क्या बात होगी, मुझे तो मरना ही है फांसी से नहीं तो सांप से। तो कहा हम तुम्हें कोबरा सांप से कटवा कर मराएंगे। एक टोकरी कोबरा सांप जहरीला ले रहे थे, वो उन्होंने वो कोबरा सांप उसको दिखाया टोकरी से निकाल कर कि देखो ये कोबरा सांप बहुत ही विषैला है, केवल 10 सेकंड में मर जाता है इंसान इसके काटने से, 10 सेकंड ओनली, मुंह में से झाग निकलेंगे और तुम मर जाओगे, इतनी तेजी से बॉडी में फैलेगा इसका जहर, इसका काठा पानी भी नहीं पीता। उसने कहा डन, कोई बात नहीं, 10:30 बजे फांसी लगनी है, इसी से कटा के मरा देना। अगले दिन 10:30 बजे पहुंच गए, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया गया। अब उन साइंटिस्ट ने, ये रियल स्टोरी है, रिसर्च हुआ है इस पर, कमेंट्री देना शुरू किया, भैया हमने टोकरी से काला सांप बाहर छोड़ दिया है, ये लहराता हुआ आपके पास आ रहा है, अब बिल्कुल आधे फुट की दूरी पर फन उठा के खड़ा हो गया है और अब इसने फना मार दिया, डंक मार दिया। डंक नहीं मारा था, केवल 2 आलपिन चुभाए गए थे उसको, और आलपिन चुभाते ही उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट 10 सेकंड से पहले।
जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट आई कि जहरीले कोबरे का विष पाया गया इसके शरीर में, जबकि वहां सांप था ही नहीं, केवल दो आलपिन उसको चुभाए गए थे। अब आप सोचिए, केवल चित्र देखने से और सोचने से यदि मेरे शरीर में विष पैदा हो सकता है तो अच्छा सोचने से, अच्छा विजन देखने से मेरे अंदर अमृत भी पैदा हो सकता है, मेरे अंदर वो हीलिंग पावर भी जागृत हो सकती है, वो संजीवनी भी पैदा हो सकती है जो बड़ी से बड़ी बात को खत्म कर सकती है। इसीलिए शुभ शुभ सोचिए, अच्छा सोचिए। आज दो बात कहना चाहूंगी फिर खत्म करूंगी। आज से केवल वही सोचिए जो आपको चाहिए, आज से वो सोचना बिल्कुल बंद जो मुझे नहीं चाहिए। आपको किसी को दुख चाहिए क्या, दुर्भाग्य चाहिए क्या, बदनसीबी चाहिए क्या, तो ये सोचना बंद, बोलना बंद, सुनना बंद। अब ये नहीं कि खमा खा की सहानुभूति लेने के लिए, भाई मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे मेरी तो बचपन से ही, जन्म से ही किस्मत फूटी हुई है, मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है। चाहिए किसी को, चाहिए तो आज से ये सोच अपनी माइंड से डिलीट कर दीजिए, पूरी तरह डिलीट। आज से जो चाहिए वो सोचिए। आपको सुख चाहिए ना, आपको सुंदर सौभाग्य चाहिए, तो आज से 21 दिन लगातार, जो ये समझते कि मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा, मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही, एक बहुत छोटा सा सुंदर सा फार्मूला बता के जा रही हूं, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर करोगे तो। आज से 21 दिन दुर्भाग्य के सामने चट्टान बन के खड़े हो जाओ, डरो नहीं, भागो नहीं, ये सृष्टि कर्म युद्ध है, भागो नहीं, भाग लो, और इस तरह भाग लो कि विजयी बनकर बाहर निकलो। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे, कोई लिमिट नहीं है भागने की, भाग लेना शुरू कर दो। डरो नहीं परिस्थितियों से, चैलेंजेस से, उनके सामने अड़के खड़ा हो जाओ चट्टान की तरह, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पांव मजबूत करके, और दुर्भाग्य की आंख में आंख डालकर बोलना, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। क्या बोलेंगे बोलो सभी, फिर से बोलिए, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। 21 दिन तक 51 बार दिन में अपने आप को याद दिलाना, हनुमान की तरह शक्ति जागृत हो जाएंगी आपकी, दुर्भाग्य जागृत हो जाएगा। क्योंकि एक सिद्धांत याद रखना, दो अपोजिट कभी भी एक साथ कट्ठे नहीं रहते। अभी यहां प्रकाश है तो अंधकार नहीं, खुशी होगा तो गम नहीं, और दुर्भाग्य होगा तो सौभाग्य नहीं, होगा वो जिसको मैं पकड़ बना लूंगी, जिसे मैं यहां स्वीकार कर दूंगी, वही मेरे साथ होना शुरू हो जाएगा। सोच बदलो, सिचुएशन बदल जाएगी। हार हार की बात करोगे तो भगवान भी तुम्हें विजय नहीं दिला सकता, तुम केवल जीत की बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, विजय श्री तुम्हारे साथ साथ चलेगी। इसीलिए दो अपोजिट कभी इकट्ठे नहीं होंगे, होगा वो जिसे आप सोचोगे, अपने दिमाग में, अपने माइंड में जगा दोगे, वो आपके साथ होगा। तो आज से वो मत सोचना जो आप चाहते हो। अब मैं भाई जी की बात को पूरा करती हूं। अपने जिगर के टुकड़ों को कोई ये चाहेगा वो शैतान बने, बुद्धू बने, बेवकूफ बने, कुंभकर्ण की औलाद बने, खून पिया बने, चाहेगा कोई? फिर ऐसा सोचते क्यों हो, फिर बोलते क्यों हो? माता को प्रथम गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि हर सुबह को प्रथम आवाज अपने बच्चे को मां लगाती है।
और जिस आवाज से वो अपने बच्चे को संबोधित करती है वही उसका व्यक्तित्व बनता है, वही उसका चरित्र बनता है, वही उसका भविष्य बनता है। अब देखिए मोस्टली क्या हो रहा है आजकल के जमाने में कि मियां बीबी दोनों जॉब करते हैं अधिकतर। अच्छा चलो मियां जॉब करते हैं तो बीबी भी जी रहती है, पति को कपड़े देने हैं, बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना है और बच्चा सोया पड़ा है। बच्चे को नींद सुबह को बड़ी अच्छी आती है, गहरी नींद आती है, वो डेल्टा में होता है उस समय। अम्मा उठाने गई एक बार तो ठीक है, प्यार से उठा, बच्चे बेटा उठ जा देर हो रही है। अब बच्चा उठ तो गया, लेकिन हमने भी जो बचपन में किया वो आप भी जानते हो कि जागे हुए को कौन उठाए, आलस में पड़े हैं। फिर दूसरी बार गई कि उठ जा, फिर उसने ऐसे करवट बदला, फिर भी अनसुना अनसुना कर दिया। तीसरी बार क्या हम माँ वाक्य उच्चारेंगे, वो कुंभकर्ण की औलाद दिमाग खराब करता है, रोज सुबह सुबह खून पिया, सुबह दिमाग खराब कर देता है, शैतान कहीं का बुद्धू। कितने सारे टाइटल दे दिए मैंने उस समय उसे, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड, जब उसका अंतर्मन जगा है, जब मेरी एक एक बात सीधा उसके अंतर्मन में जाकर उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्माण करने वाली है। इसलिए इस तरह की आवाज अपने बच्चों को मत दीजिए, जो आप अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते, ना तो उनके बारे में सोचिए, ना बोलिए, ना सुनिए। जो देखना चाहते हो वही बोलिए, वही सोचिए, वही सुनिए। हमारे देश में रोल मॉडल्स की कमी नहीं है। आप इतिहास उठाइए, कितनी महान आत्माओं का देश है, कितने वीर पुरुषों का देश है। इसी भारत में स्वामी विवेकानंद जन्मे हैं, इसी भारत में भगत सिंह जन्मे हैं, इसी भारत में महाराणा प्रताप जन्मे हैं, और इसी भारत में हमारे इतिहास के हीरो एक्टर शिवाजी भी जन्मे हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि इनके पीछे हाथ किसका था बनाने में? इनको ऐसा व्यक्तित्व, इनको ऐसा चरित्र उनकी मां ने दिया। कभी भी उनको शैतान, बुद्धू, कुंभकर्ण की औलाद, खून पिया, सरदर्द के नहीं बुलाया। आज हम सब जानते हैं शिवाजी को शिवाजी बनाने में सबसे बड़ा हाथ जीजाबाई का था। अगर जीजाबाई ना होता तो भारत शिवाजी से वंचित होता। आज भारत को शिवाजी जैसा पुत्र मिला उसके पीछे जीजाबाई का हाथ है। और जीजाबाई की एक विशेषता थी कि वो कभी भी अपने बच्चे को शब्द से नहीं बुलाती थी जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। जब जीजाबाई अपने बच्चे को जगाती थी या उसको बुलाती थी, संबोधन करती थी, तो शैतान भूत कहकर नहीं। एक घर में हम गए, बड़ी प्राउड से उसकी मम्मी ने आवाज लगाया, मेरे दाऊद बेटे कहाँ हो तुम। मैं हैरान हो गई, ये इतना बड़ा राक्षस ही मिला था तुम्हें नाम रखने के लिए। 33 करोड़ देवी देवता है भारत में, कोई तुम्हें देव नाम नहीं मिला था, दाऊद ही नाम मिला था रखने के लिए। लेकिन जीजाबाई कैसे बुलाती थी? जीजाबाई कहती थी, मेरे राजे बच्चे उठ जा, मेरे चरित्रवान बच्चे उठ जा, मेरे बहादुर वीर पुत्र उठ जा, मेरे देश की शान उठ जा। जो जो कहकर पहली आवाज लगाई वो शिवाजी का व्यक्तित्व बना, चरित्र बना, जीवन बना और भारत की शान बना। अगर जीजाबाई शिवाजी दे सकती है तो क्या आप एक एक पुत्र भारत को ऐसा नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो या नहीं? आप भी भारत को ऐसा पुत्र दे सकते हो और इस भारत को पुनः राम राज्य बना सकते हो, स्वर्ग बना सकते हो, विश्व गुरु बना सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुखी रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, हंसते रहिए। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की माता की जय, भारत की माता की जय। थैंक यू, वंदे मातरम। बहुत बहुत सुंदर परम आदरणीय दीदी जी ने रोल मॉडलों की ऐसी सुंदर वर्षा करी है कि हमारा जीवन एक सच्चा रोल मॉडल बने। जैसे अभी उन्होंने विवेकानंद जी का नाम लिया, अनेकानेक शिवाजी का नाम लिया, आज हम ये सोचते हैं कि झांसी की रानी भी बची थी। झांसी की रानी
कैसी थी पता है आपको? कुछ ऐसी ही होगी जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे भारत देश को आजाद किया। आज हमारी बहनें यहाँ पर आकर के अपने जीवन में जो पांच राक्षस हैं उन्हें हटाने के लिए कैसे ये शंख नाद कर रही हैं, जिसके लिए कहा गया चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ही महान शख्सियत को हम लोग यहाँ देख करके और माता गुरु जो उन्होंने कहा कि जीवन में अभी तक एक यही बात थी कि हम अपने जीवन में यही सोचते थे कि बाबा ने हमारा जीवन इतना सबल बनाया, अबला नहीं सबला बनाया। आज सबला यही है कि सबला जीवन आज तुम्हारी यही कहानी, आंचल में कर्तव्य आंखों में निगरानी। ऐसा सबला जीवन लेकर के अभी हमारी दीदी ने बहुत सुंदर अपने अमृत वचन दिए। अभी छोटी सी बच्ची का डांस है, आप प्लीज अभी आ जाओ। अभी हमारे बीच में सभी बहनों से अनुरोध है कि बैठ जाएं, बैठ जाएं, अभी तो जाना नहीं है। अभी हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी जी के आशीर्वचन है, साथ साथ हमारे अमरजीत सिंह जी जो हमारे बीच में बैठे हैं उनके भी कुछ अनुभव हम आज इस प्रोग्राम में आकर उन्हें कैसा लगा, तो अनुरोध है हमारा बहनों से प्लीज बैठ जाएं। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है, थोड़ा सा देखा ना सच्चा प्यार है।
तो मिल गया।